रोलिंग। पहले कहाँ से स्टार्ट करूँ मैं? यहाँ से ना, कैमरा। तुमने कभी डायरेक्टर बनने का सोचा है क्या? डायरेक्टर नहीं हूँ मैं, कुछ नहीं हूँ मैं, बहुत मैं सुपर हूँ। रेडी रोल। अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों बहनों, दोस्तों, टुडे वी हैव वन ऑफ माय फेवरेट्स। एज अ यंग कॉलेजियन टीनेजर, फॉर मी द मेकर वाज माय अल्टीमेट। ही वाज अ मैन हु गेव मी द ग्रेटेस्ट हिट्स म्यूजिकली। ही इज अ मैन हुज डिसीजन ऑफ पावर मेकिंग ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट कंपोजर्स एंड द बेस्ट सॉन्ग्स फ्रॉम देम, इवन इफ दे वर न्यू पीपल, ही यूज्ड टू टेक आउट द बेस्ट बिकॉज ही हैड द पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रियलाइजिंग के वॉट इज अ सुपर हिट एंड वॉट मेक्स अ सॉन्ग रीच आउट टू पीपल। He may source out from various facts. He may source out from international music. He may source out from South Indian films. But he had a vision which is clear that this song is going to hit the mark, which made his film successful. Please welcome the legendary Indra Kumar. Welcome Induji to our show. Sorry for being so self-centered and obsessive about what Dabu Malik is saying, but we are very proud to have you. Very proud to have you in the show, and I've been a huge fan, you know it. So the most important thing which I wanted you to share with people is that in your journey of your entire Bollywood, you have given super hits, what do you think is the crux when you sit down, because this is a show of music. Yeah. That aapko kya lagta hai कि ये गाना आप जब सिलेक्ट करते हो कि ये मेरे फिल्म के लिए सबसे एप्ट है, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग म्यूजिक? एक्चुअली ऑर्गेनिक होता है बहुत, कि जैसे मैं आपको बताऊं, एक गाना था दिल दे दिया है जहां तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम। मैंने उनको बोला भाई मुझे एक गाना आपका बहुत पसंद आया, तो उन्होंने बोला कौन सा वाला, तो मैंने बोला वो पता नहीं है, मुझे नंबर तो याद नहीं है, अब मुझे ट्यून भी याद नहीं, आप बताइए आपने पांचों गाने गाए। अब वो भूल गए कि उनकी वो ट्यून कौन सी थी, पर आधे घंटे के बाद मुझे जहन में एक नोट रह गया था कि तारा तारा, अरे इंदु जी मिल गया सुपर, ये यही गाना। और उन्होंने 2 मिनट के अंदर पूरा गाना दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम, रब दी कसम यारा, रब दी कसम, पूरा गाना उन्होंने उसी वक्त गा दिया और मैंने उनको पकड़ के गले लगा लिया, एंड रेस्ट वो गाना तो अपने आप में हिस्ट्री है ही। एक्चुअली दोस्तों, दिल दे दिया जो गाना है, मैं ये समझता हूँ कि ये कंपोज़र के लिए बहुत बड़ा क्रेडिट है, आनंद राज आनंद जी के लिए बहुत बड़ा क्रेडिट है, बिकॉज इंदु जी को नोट्स में, इंदु जी को गाने में किसी भी तरह सेटिस्फाई करना इज़ डिफ़िकल्ट, बिकॉज इनके कान इतने सुरीले हैं और इतना इनको नोट्स फ्रॉम द 1970s या 60s के गानों से लेके अभी तक हर एक स्कैनिंग, हर एक नोट, अभी भी जब हम लोग गाने इनको सिटिंग में सुनाते हैं बोलते हैं नहीं ये गाना वो शंकर जयकिशन का वो गाना है उससे मिलता है, मतलब दैट इज़ द काइंड ऑफ सर। तो उस उन सारे दायरों से कट के निकलना एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है आनंद राज आनंद के लिए, कि उसने आप जैसे दिग्गज के लिए वो गाना बनाया, आपने एक्सेप्ट किया और वो लैंडमार्क सॉन्ग बना। क्योंकि आई थिंक एक आइडेंटिटी किसी गाने की बनना जी उस लेवल पे, और ओरिजिनल कंपोजिशन और दिल से बनी हुई कंपोजिशन का इतना बड़ा पोजिशन बनना, आई थिंक इट इज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। नदीम श्रवण के साथ हुआ था, ओ नदीम श्रवण ने भी 15 गाने बनाए और एंड में वो चिढ़ गए थे कि यार अभी कितने गाने बनवाओगे आप हमसे, और एक गाना उनका भी फाइनल हो गया, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये गाना मतलब अप टू द मार्क नहीं है, और मेरे पास एक म्यूजिक पीस था, तो लास्ट डे जैसे कल रिकॉर्डिंग है, आज वो किसी और की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने उनको बोला भाई आप ये ज़रा गाना सुनिए, मैं एक म्यूज़िक पीस है सुन लीजिए, तो वो मुझे लगा कि अभी एकदम बात टूटने वाली है, लेकिन फिर श्रवण जी ने संभाला, श्रवण जी बहुत शांत स्वभाव के थे, तो उन्होंने बोला नदीम चल बैठ जा गाड़ी में, तो हमने गाड़ी में बैठे और हम ऐसे 5 मिनट का एक राउंड मार के आए, मैंने वो म्यूजिक का पीस बजाया और 5 मिनट के उस राउंड के अंदर जो गाना बना वो गाना कौन सा था पता है? अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू। और जैसे हम स्टूडियो वापस आए 5 मिनट के राउंड के बाद, मैंने फिर नदीम और श्रवण दोनों को गले लगाया, क्या ट्यून बना दी यार तुम लोगों ने, और वो गाना भी आइकॉनिक बना। तो जब जब मैं ऐसा जिद पे अड़ा हूँ,
तो भगवान ने कुछ ना कुछ ऊपर से अच्छा ही दे दिया। और फिर उसके बाद जब मैं फिर डायरेक्टर बनने का मेरा मौका आया दिल में, तो मैंने बोला अब नाम तो किसी का लेना पड़ेगा, अभी किसके आपने असिस्ट किया, तो राकेश जी तो है ही अपने, बट फिर उस टाइम पे टॉप पे थे सुभाष जी, तो सुभाष जी को मिलने गया मैं, सुभाष जी मेरे को असिस्ट करना आपको, तो सुभाष जी बोले बेटा मेरी तो पिक्चर ख़त्म हो गई, अभी ये लास्ट एक गाना है 4-5 दिन, तो मैंने बोला एक काम करता हूँ मैं आपका वो गाने में असिस्टेंट बन के आ जाता हूँ, वो तो करेगा क्या, मतलब कुछ नहीं करूंगा, आप सेट पे रहना मैं काम देखूंगा। ओह यार दैट इज सो अमेजिंग यार, एंड दैट वाज व्हिच पिक्चर? हां तो ये राम लखन। माय गॉड कल की बात लगती है इंदु जी, आई कांट बिलीव इट, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। यू मीन टू से कि राम लखन जब बन रही थी एट दैट पॉइंट अ यंग इंद्र कुमार वाज आस्किंग सुभाष भाई कि मुझे आप असिस्टेंट बनाओ, और सुभाष जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली उस टाइम पे, बोला इंदु मैं तेरे को अपना असिस्टेंट बना रहा हूं इस पिक्चर में, लेकिन एक बात याद रखना मेरा नाम खराब मत करना। कि इंदु जी एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपनी खुद की पिक्चर पूरी देखने के बाद, यानी कि पूरी फाइनल फर्स्ट कट देखने के बाद, अपने प्रोड्यूसर्स को और अपने आप को ये कहा कि ये पिक्चर नहीं वर्क कर रही है, ये पूरी पिक्चर कंप्लीट हो चुकी थी विद अनिल कपूर विद माधुरी दीक्षित, कि मुझे कुछ और चाहिए। इमेजिन कि एक डायरेक्टर में ये गट्स है कि अपनी पिक्चर का पहला पूरा ट्रायल देखने के बाद पूरे यूनिट को, पूरे प्रोडक्शन और पूरे स्टार्स को ये बोलना कि आई वॉन्ट टू रीवर्क, आई वॉन्ट टू रीविजिट दिस एंटायर स्क्रिप्ट एंड आई वॉन्ट टू चेंज इट एंड रेस्ट इज हिस्ट्री एंड दैट फिल्म बिकेम बेटा। बेटा या पूरा फर्स्ट हाफ हमने उसका रीशूट किया था, जबकि सब डिस्ट्रीब्यूटर देख के पागल हो गए थे, सब ने बोला बस अभी रिलीज डेट निकालो, मुझे रात को नींद नहीं आई, मैंने सबको बुलाया नेक्स्ट डे, मैंने बोला फिल्म इतनी अच्छी नहीं बनी है जितनी लोग तारीफ कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ में इसके बहुत स्कोप है, लेट्स रीराइट इट। फिर अशोक जी को कन्विंस किया, अशोक जी बोले जाओ लोनावला आप लिखो, 48 आवर्स के अंदर वी रोट द एंटायर फर्स्ट हाफ, अशोक जी 48 आवर्स बाद खंडा लाए और उनको स्क्रिप्ट नरेट की गई एंड ही वॉज ब्लोन ओवर। फिर अच्छी बात दूसरी, फिर मैं अनिल कपूर के पास गया, मैंने बोला मुझे अभी 40 दिन चाहिए और, तो अनिल ने बोला कि भाई आप मुझे सुनाइए आपने क्या किया है, तो नीचे गाड़ी में बैठे हम उसके ऑफिस में, उनके ऊपर कुछ डिस्टर्बेंस था उस दिन, तो हम उसकी गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठ के मैंने उसको पूरा फर्स्ट हाफ नरेट किया, उसने मेरे को 1 मिनट तक ऐसे देखा, तो बोला इंदु एक बात बोलो, तूने पिक्चर को बेटा से बेटी बना दिया, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूँ ये पिक्चर ब्लॉकबस्टर है, ये हम यही शूट करेंगे, ये अनिल की ग्रेटनेस है, ग्रेटनेस है। एंड ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि व्हेन दिल वाज मेड, दिल की प्रेसिडेंट से पहले, मतलब दिल की रिलीज से पहले, इंडिपेंडेंटली आमिर खान जी वाज नो नॉट इवन अ स्टार, ही हैड ऑलरेडी हैड 4-5 फेलियर्स बिहाइंड हिम, लाइक इवन अ साफ सपेरा काइंड ऑफ अ पिक्चर लाइक तुम मेरे हो, एट अ पॉइंट इट रीच के भैया दिल के अंदर इज नॉट एन ए लिस्टर स्टार कास्ट एंड दिल वॉज पॉसिबली योर फर्स्ट पिक्चर, हाँ करेक्ट, या नॉट पॉसिबल इट इज योर फर्स्ट, इट इज माई फर्स्ट फर्स्ट पिक्चर। माई क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, टेक्निक ऑफ कैमरा टेक्नोलॉजी, शॉर्ट डिविजन, लेंसेज, लाइट्स, वो सब चीज़ें आपको एज अ प्रोड्यूसर आपने ग्रैप कर ली थी बाय द टाइम व्हेन यू वर ऑब्जर्विंग दिस पीपल मेक, तो for you to come as a first director looking at your scene and saying action to making, so what is that inspired you to do it? Actually, मैं always जो हम मैं और अशोक हम दो जने हैं, तो अशोक जी जो हैं वो basically पूरा production देखते थे, finance देखते थे, मैं always director के पीछे उसका shadow बन के ऐसा खड़ा रहता था कि मेरे director को क्या चाहिए वो मुझे देना है किसी हाल में भी, तो मैं वो चक्कर में always उसके साथ ही रहता था और उसको हेल्प करता रहता था, और भाई आपको एक्टर की डेट नहीं मिली तो एक्टर की डेट ले आता था, टाइम एक्सटेंड चाहिए उसको कि मुझे 2 घंटा इंदु और लगेगा ज़रा तू एक्सटेंड करवा दे, तो मतलब मैं डायरेक्टर को किसी चीज़ की कमी आने नहीं देता था। और फिर उन्होंने एक बात मुझे उस वक्त वहाँ पर बोली कि इंदर तुमने कभी डायरेक्टर बनने का सोचा है क्या? मैंने बोला भाई मैंने तो कभी नहीं सोचा, पर मैं आपको एक बात बताऊँ दोस्त, इतना क्लैरिटी से मुझे आज तक किसी ने नहीं समझाया, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि एक मेरे करियर में 5-10 डायरेक्टर ऐसे होंगे जो इस क्लैरिटी से बात करते हैं, आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा डायरेक्शन की तरफ, एक राइटर ही दे सकता है सर, हाँ एक राइटर जब उन्होंने ये बोला तो मैं मुझे लगा पता नहीं यार अभी ये क्या बात कर रहे हैं, चलो ठीक है अभी काम करके निकलते हैं,
फिर मैंने उनको एक सवाल पूछा, ये बहुत कमाल की चीज़ है, मैंने उनसे पूछा इंदिवर जी आपने इतने अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, फिर फलाना ढिमाका, मैंने 6-7 गानों के वो ले लिए रेफरेंस, अब मैंने अभी आप ये भप्पीदा के साथ क्या लिख रहे हैं, तोहफा 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 लाया लाया लाया, तो मुझे देखे ऐसा, तो मुझे लगा अभी बाप रे अभी ये बापू भड़क गए, अब ये मेरी क्लास ले लेंगे, तो मुझे देखा फिर मेरा ऐसा हाथ पकड़ा, इंदर इन द फील्ड ऑफ आर्ट एवरी 10-15 ईयर्स यू हैव टू शेक योरसेल्फ, मैं बोला और देन यू हैव टू ब्रेक योरसेल्फ एंड रीमेक योरसेल्फ, क्या बात, एक राइटर ही ज्ञान दे सकता था। मैं एक टाइम मेरा ऐसा था जब मैंने भी सब एक्टिंग टेलीविजन सब कुछ कर दिया और अल्टीमेटली मेरी एम्बिशन ये थी कि मैं पॉप स्टार बनना चाहता था और अपने गाने वाने लेके मैं सलीम खान साहब के वहाँ पहुँचा, बिकॉज मैंने सुना था कि उस दरबार के अंदर सुनवाई होती है, अच्छा सुनते हैं, ठीक है, तो मैं पहुँच गया, एक ही लाइन में सब कुछ गाने वाने गा गया, ये करा वो, उन्होंने मुझे पूछा ये गाने किसने बनाए, तो मैं ऑलमोस्ट बोलने वाला था कि मतलब मेरे ब्रदर के गाने मैं गा रहा हूँ क्योंकि मुझे सिंगर बनना था, तो मैं तो मुझे उन्होंने करीब से देखा और उन्होंने बोला देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जो तुम्हारी फितरत में है ना उसको तुम बदल नहीं सकते, तुम सरदार मलिक के बेटे हो, अनु मलिक के भाई हो, 4 कदम संगीत की तरफ चलोगे तो पूरी दुनिया 100 कदम तुम्हारे तरफ चलेगी, तुम अपनी फितरत से लड़ना चाहते हो, तुम हीरो बनना चाहते हो, तुम सिंगर बनना चाहते हो जो हो नहीं, तुम फितरत से एक सॉन्ग मेकर हो, ट्यून मेकर हो, उन्होंने ये तुम इसको, और सर मेरे लिए मेरे 10 साल की जो मेहनत थी कि मैं एक्टर था बनना चाहता था, टेलीविजन कर रहा था और सिंगर बनो चलो किसी तरह पॉप स्टार बन जाऊं, तो मेरे को ये कहना, और मैं अनु से कॉम्पीट भी नहीं करना चाहता था बिकॉज ऑलरेडी इतना बड़ा दिग्गज इतना जबरदस्त काम करने वाला है, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, सेम चीज़ जैसे आपको मिला, और जब मैं वो घर की सीढ़ियों से उतरा और मैंने अब खुद डिसाइड किया कि मुझे बहुत बुरा लगा, मैं हार्ट ब्रोकन था क्योंकि मेरे सारे संघर्ष को जीरो कर दिया था, अंडरस्टूड, और बोला, और उन्होंने कहा मेरे को फेथ है, उन्होंने जो लाइन मुझे बोली मेरे को फेथ है, तो एक बार मुझसे फिर बोला कि वो गाना सुनाओ, तो बोला कि मैंने गाना सुना दिया, बोले एक काम करो फिर 2-3 दिन के अंदर तुम ये गाना सोहेल को सुना दो, अच्छा सोहेल ने वो गाना सुना, थोड़ा सा प्यार थोड़ा है बाकी, रेस्ट इज हिस्ट्री, लैंडमार्क गाना है, तो रेस्ट इज हिस्ट्री, तो आई थिंक ये जो ज्ञान टर्निंग पॉइंट होता है लेखक एक राइटर जिसकी वजह से हम लोग ये शो कर रहे हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट अ वर्डस्मिथ अ राइटर द पेन इज एंड द राइटर इज फॉर फिल्म्स एंड टू म्यूजिक, तो आज ये सच हो गया कि इंदु जी की लाइफ में भी और मेरी लाइफ में। इंदु जी एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को ये लगता है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि इंदु जी क्लासिक्स बनाते थे, जैसे आपने झंझोड़ने वाली बात की तो मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, फिर एक दौर आया वेर ऑल हम जो फैंस हैं जो आपके इतने बड़े कि आपने जो टेक लिया यू वेंट टूवर्ड्स कॉमेडी इन फुल स्विंग, ऑफ कोर्स ब्लॉकबस्टर्स, कहीं आपको नहीं लगता कि आपके अंदर का जो पोएट्रिक है, आपके अंदर का जो डाई हार्ट रोमांटिक है, जो आपने लेजेंडरी पिक्चर्स बनाई वो दौर आप फिर अपने लिए लेके आए? एक्चुअली मैं बताऊँ, अभी देखो मैंने तुमको इंदिवर जी का जो किस्सा बताया, एक्चुअली वो मेरे लाइफ पे अप्लाई हो गया, मैंने भी पहले उनको जो कहा था कि आपने ये गाने लिखे, तो लोगों ने भी मुझे कहा आपने दिल बनाई, बेटा बनाई, आपने फलानी फिल्म बनाई, आपने हम कितनी बार ये कन्वर्सेशन कर चुके हैं, लेकिन मुझे भी वक्त के साथ बदलना था कि फिर मैंने मस्ती बनाई, धमाल बनाई, टोटल धमाल बनाई, सारी ये जो धमाल जो मैंने सीरीज बनाई और मस्ती सीरीज बनाई, इससे मैं जो 15 साल पहले मैं फेड आउट हो जाता वो चीज़ से मैं बचा, और इंदिवर जी के रास्ते पे चल के मैंने अभी ये अपने आप को बदला, तो आज 15 साल में और काम कर पाया, वरना मेरे जो कंटेम्प्रेरी जो बेचारे थे कितने लोग फेज आउट हो गए, मैं थैंक गॉड, इसने मैंने अपनी पिक्चर का नेक्स्ट पिक्चर का टाइटल भी थैंक गॉड रखा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सर अब एक ऐसा दौर आना चाहिए जो स्पिरिट आपका इमोशन का है, जो स्ट्रेंथ आपकी इमोशंस की है, मुझे लगता है कि थैंक गॉड इज गोइंग टू बी द टर्निंग पॉइंट,
Inshallah, it's going to be a blockbuster. Ameen. Today, we have been in conversation with one of the greatest legends of our film industry, who is very simple, innocent, non-egoistic, and a person who takes everything in his stride. It is a great lesson for all youngsters, for me, whenever I meet him. His humility, his simplicity is unbelievable. He doesn't fake it. He just believes in following the trail of sheer hard work, every day going to the office and working diligently from 11 o'clock till night, till he completes his job. And whatever world says, whatever people say, he has been a blockbuster churner and a great, fascinating spirit. I really love Indra Kumar. I am very blessed to have spent time and journey with this legend. And at MWM and in conversation with Indra Kumar, we are thrilled and happy that he came. Thank you very much. See you again next week. Love you all. मिलने हमें चले आओ तुम यूं ही कभी मिलने हमें चले आओ के तेरे बिन कुछ भी नहीं मैं जान जाओ तुम यूं ही कभी मिलने हमें चले आ